रात का अभी 10:15 होने वाला है और हम लोग चुपचाप यहाँ पे दोनों लोग खड़े हुए। रीजन ये है कि हम लोग ना पार्क चले गए थे, पार्क से आ गए हम लोग सुकून से बैठ के वीडियो की एडिटिंग किए, और उसके बाद ना असवन भाई, रेशमा सब लोग आए थे, उन लोग से बात किए, और अभी आधा घंटा पहले वो गए हैं असवन भाई। और उसके बाद ना नीचे से सीढ़ी से ना बिल्ली झांक रही थी, और जब से हम लोग देखे हैं तो ना तो उसको भगा पा रहे हैं ना कुछ, और दरवाजा खोल दिया है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और उसके साथ साथ ना मच्छर भी आ रहा है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और बिल्ली पता नहीं कहाँ नीचे चली गई। अभी नीचे का लाइट भी जला दिए थे, यहीं से जलाए थे, अब तो नीचे गए भी नहीं डर के मारे, यहीं से ना लाइट जलाए, लेकिन फिर भी नहीं आ रही, फिर लाइट बंद कर दिए, फिर भी नहीं आ रही। ये नहीं कि हाँ दरवाजा खोल दिए चुपचाप निकल जाए इज्जत से, लेकिन वो निकली नहीं रही। अभी तक हम खाना भी नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, बस हम लोग बैठ के ना देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये वाली बिल्ली भागे ना भागे, बाहर से ना दूसरी बिल्ली भी आ जाए, क्योंकि दो तीन बिल्ली है जो इधर घूमती रहती है ना। तो अब हम लोग सिर्फ यही काम बचा है कि देख रहे हैं कि निकले निकले निकले, अब नहीं होगा तो ये आएंगे ना, तो फिर ये नीचे जाएंगे और फिर बिल्ली को भगाएंगे। अब रात में यहाँ सोएंगे तो एक तो डर रहेगा ना, तो इसीलिए तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। ऐसे देखते रहेंगे तो वो कभी नहीं आएगी, बाहर आएगी ही नहीं वो। ये कालीन को फिर अपनी जगह पे कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का, आज जो सुबह है ना, यानी कि आज दिवाली का दिन है, तो देखिए कितना कोहरा था, और आज उतनी ठंड भी नहीं थी, क्योंकि कोहरा था इसीलिए ठंड ज़्यादा नहीं थी। तो अभी सुबह का 7 बजने वाला है और हम लोग दोनों दुखियारी यहाँ पे बैठे हुए। आज सारी रात हम लोग नहीं सोए, बिल्ली ना बहुत परेशान कर दी रात में। तो किसी तरह डर डर के हम सोए, और ये मेरे सर के पास ही ना बिल्ली आके बैठी हुई थी, और इतना म्याओ 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 म्याओ। और जिया को ना हम लोग जीसू के रूम में कर दिए थे, तो वो यहाँ पे सो रही थी, दरवाजा बंद कर दिए थे, और अभी भी गई नहीं है, सब दरवाजा वजा खोल दिए कि चली जाए, लेकिन अभी भी सीढ़ी पर बैठी हुई है। और हमको ना पता नहीं क्यों स्मेल कर रहा है कि कहीं ना कहीं कर दी है पॉटी, तो वही हम इनसे कह रहे थे कि हमको बहुत महक रहा है। अब मेरे दिमाग में चढ़ गया है ना कि हाँ कहीं ना कहीं पॉटी कर दी है, पॉटी कर दी है। अब जब तक हम ढूंढेंगे नहीं ना, तब तक हमको सब्र नहीं होगा, लेकिन हमको महक रहा है कि कहीं ना कहीं वो कहीं। और जिया चली गई है ट्यूशन, और सुबह 7 बजे से उसका ट्यूशन था, तो वो चली गई है। और सुबह उठ के फिर जिसु से भी बात की, अब चलते हैं। राशन भी कल नहीं रखे, कल टाइम ही नहीं मिला राशन रखने का, और ना ही आप लोगों को दिखाने का टाइम मिला, तो नीचे तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाके हम देखें कि हाँ कहाँ पे करी है पोटी वोटी। अभी इन्हीं को भेजेंगे, रात में भी हम इनको इनको भेजेंगे मतलब भेजे थे। आप जाएंगे देख कर आएंगे। हम तो देख के आएंगे, हमको थोड़ी महक आया है। हमको तो महक रहा ना, जिसको महक आया वो जाके तो देखे। नहीं रात में ये एकदम स्ट्रांग है, रात में भी गए थे बिल्ली को भगाने के लिए, लेकिन बिल्ली इन्हीं को भगा दी और बिल्ली वहीं पर थी, और उसके बाद आके चुपचाप सो गए। और मेरे ऊपर गुस्सा आ रहे थे कि दरवाजा खोल दो, पता नहीं तुमको नेता इनके खेत से कितना हवा लेना है। मेरे ऊपर गुस्सा आ रहे थे, तो चलेंगे। और आज ना कोहरा है बाहर, बड़ी भयंकर वाला कोहरा है, कुछ भी ना दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर देखिए। तो पहले इन्हीं को भेजे तो बोल रहे हैं कि बिल्ली नहीं है, अब हम चलते। हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। और कल ना आए हम लोग पिकनिक से, उसके बाद हम फिर वीडियो की एडिटिंग ही करने लगे, और मेरे ध्यान ही से उतर गया, दिन रात सूख रहा, घर से कचड़ा निकाल। जाइए चलिए निकलिए, हो गया टाइम। ये पानी होने
बरसा है क्या रात में? तो लग रहा है ना कि रात में पानी बरसा, क्योंकि पूरे छत पे ना, क्योंकि गंदा था ही, तो पानी का दाग पता चल रहा है। और आज कोहरा भी बहुत ज्यादा। तो छत पे आने के बाद ना, अगर ये आते हैं तो ये अपने काम पे लग जाते हैं, अगर हम इनके साथ आते हैं तब तो काम पे नहीं लगते, लेकिन अकेले आते हैं तो हम भी अपने काम पे लग जाते हैं। तो लगाए हैं बैंगन, टमाटर, धनिया, सब कुछ लगाए, तो पानी वानी दे चुके। और उसके बाद यहाँ जीसू के रूम में ही हम लेटे थे, और जिया आ चुकी है ट्यूशन से, और अब्बा बैठे हुए हैं, और अब्बा ना पूरा एक घंटे से बैठे हुए हैं, उन लोग को चाय नाश्ता दे चुके थे, और पी के ना आज इनके साथ सुकून से बैठ के ना बात कर रहे हैं, क्योंकि आज संडे भी है ना, तो एक ही दिन मिलता है, तो वही बैठ के इन लोग बात कर रहे हैं। और नाश्ते में क्या बनाए कि सब्जी था ही नहीं, थोड़ा सा पालक था और दो ठो आलू था, थोड़ी सी गोभी थी, तो सब कुछ मिक्स करके ना और सब्जी बना दिए हैं, और प्याज और बेसन का ना आटा सान के तैयार कर दिए हैं। तो आज रोटी पिएगा तो हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट। कहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पे पहुँच के बताएंगे, और दो तीन दिन से लगा है लेकिन ये हमको बताए नहीं थे, तो कल हम लोग आते समय देखे ना, चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं लोन मेला में, और ऑडिटोरियम के जस्ट सामने ही लगा था, और जब तक आप लोगों को ये ब्लॉग मिलेगा तब तक तो मेरे ख्याल से सेल भी हट चुकी होगी। और वैसे भी ना सबसे लेट में ना मुझे ही पता चला कि हाँ लोन मेला लगा है, जो बाहर जो जो सामान पैक होके रखा है ना वो मेरे ख्याल से ऑर्डर वाला है, तो जिनके जिनके घर पहुँचाना है वो रखा हुआ था। तो अंदर हम लोग एंट्री किए, तो वॉशिंग मशीन से लेके फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सी और गीजर, हीटर सब कुछ था, टीवी भी सब कुछ था, तो मेरे पास सभी चीज़ है। फ्रिज अभी हम लोग 2 साल पहले ही लिए थे, और माइक्रोवेव है ही, इनको ना ये वाली जो टीवी है ना बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसका प्राइस 1 लाख कुछ ऐसे था। और वैसे भी हम लोग के यहाँ टीवी है ही, उतने बड़े टीवी का क्या करेंगे, तो हम लोग के लायक कुछ भी नहीं था। और हम लोग सोच के ये गए थे ना कि अगर फ़ोन ऑन होगा ना तो एक बार सोच सकते हैं कि हाँ फ़ोन एक्सचेंज करके ले ले, बाकी और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो घूमे और उसके बाद आ गए। तो हम लोग तो कुछ लिए नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया है, कुछ वैसा है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ था। देखने आए थे कि कुछ अगर नया मिलेगा तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, खास कर मोबाइल के चक्कर में लेकिन कुछ भी नहीं था। तो चलते हैं सीधे घर, अगर ये थोड़ा बहुत और घुमाएंगे तो घूम लेंगे, लेकिन वैसे सीधे घर ही जाएंगे। हैं घुमाएंगे कि ऐसे ही ले लेंगे? तो यहाँ पे ग्राउंड में ना पहली बात तो गेम भी चल रहा है, और सेकंड आज रात में यहाँ पे होगी आतिशबाजी, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी, तो ये हमें बता रहे थे कि आज रात में, और ठीक 9 बजे होती है आतिशबाजी। उसके बाद ये बोले कि जब आ ही गए हैं तो चलो मार्केट चलते हैं, और जिया का लंच बॉक्स भी ले लेते हैं, और मॉप भी ले लेते हैं। मॉप के बिना ना ऐसा मेरा काम सारा अधूरा सा हो रहा था। तो हम लोग बहुत सारा लंच बॉक्स देखे, लेकिन हमें तो चाहिए था लीक फ्री वाला, ताकि जिया का बैग हो, बुक वुक ये सब खराब ना हो, तो यहाँ पे सेलो का ले लिए हैं, और साथ ही साथ में ना मॉप भी ले लिए। मार्केट में देखिए कितनी अच्छी रौनक लगी है आज, अभी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है ना, और आज उतनी भीड़ कम है जितना कि कल तक ऐसे था। तो इसका लंच बॉक्स आ चुका है, और इसमें ना पानी भर के और चेक कर रहे हैं, तो पानी देखिए तो नहीं गिर रहा है, इसमें पानी है। और ये सेलो का है, और कितने का पड़ा? 550 का है, और मॉप भी लेकर आ गए जो जिया अभी खोल रही है। इसमें भी पानी वो डाल के देखो,
लिख कर रहा।